प्योर वेज देसी तड़का फैमिली रेस्टोरेंट, पारिवारिक और मनोरंजन के साथ। हमारा पता है यूटीडी के नीचे, सरोंजा रोड, पथरिया जाट, सागर। मध्य प्रदेश में सत्ता में आने के बाद से ही कांग्रेस सरकार के सामने बिजली समस्या सिरदर्द बनी हुई है। तो अब आलम यह है कि कमलनाथ सरकार के मंत्री इस समस्या से जूझते हुए अपने ही अधिकारी कर्मचारियों को सरेआम चमका रहे हैं। प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव का एक ऐसा ही मामला दमोह जिले के तेंदुखेड़ा से सामने आया है, जब न सिर्फ मंत्री जी ने मंच से बिजली विभाग के अफसरों को चेताया बल्कि धमकाया भी कि सुधर जाओ वरना डैश डैश डैश। कमेटी के अध्यक्ष अजय टंडन जी, मुझे एक चीज और कहनी है, अभी बहुत आपको बरगलाते हैं किसानों। ग्रामीण इलाकों में छाए बिजली संकट के बीच अब आम आवाम की शिकायतों से नेताओं और सरकार के मंत्रियों को दो चार होना पड़ रहा है। कमलनाथ सरकार के मंत्री हर्ष यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब वह दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक में एक सड़क के भूमि पूजन समारोह में पहुंचे तो लोगों ने सड़क की जगह उनसे बिजली की शिकायतों का अंबार लगा दिया। सड़क की खुशी बिजली की शिकायतों में बदली तो मंत्री जी का गुस्सा फूट पड़ा। मंत्री जी जनता और किसानों से तो कुछ नहीं बोल सकते थे, लिहाजा जब मंच से भाषण देने खड़े हुए तो पूरा गुस्सा बिजली विभाग के अफसरों पर निकाल दिया गया। पहले सख्त अंदाज में मंत्री जी ने कहा कि एक हफ्ते का वक्त है वरना डैश डैश डैश। गुस्से में मंत्री जी ये तक कह गए कि बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं ये उन्हें पता है, यदि नहीं सुधरेंगे तो वह अपना बिस्तर बांध लें। यहाँ यदि हूँ तो कान खोल कर सुन लें, जिनके इशारे पर यहाँ पर कटौती हो रही है और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आप नहीं सुधरे तो बहुत दिन दूर नहीं जब यहां से आपका बोरिया बस्ता बढ़ जाएगा। हमारे लोगों के लिए, किसानों के लिए 10 घंटे लाइट मिलना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। टेम्पररी कनेक्शन की राशि हमने कम की है, एक हजार रुपए 700 रुपए के मान से टेम्पररी कनेक्शन मिलना चाहिए। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिलना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। यदि बड़े हुए बिल आ रहे हैं तो आपकी जवाबदारी बनती है कि जो नियुक्त समिति बनाई गई है उनमें उनका निराकरण करें और उसका समाधान करें। और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 24 घंटे बिजली मिलना चाहिए वो मिले। बहरहाल कमलनाथ सरकार प्रदेश में बिजली आपूर्ति के लाख दावे करे लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीर और डैश 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 का मंत्री जी का डायलॉग साफ कर रहा है कि सूबे के गांव में किसान बिजली को लेकर परेशान है। और अब देखना ये भी होगा कि मंत्री जी के डैश डैश की चेतावनी बिजली के तारों में कितना करंट दौड़ा सकती है। आना जाना रहा है, ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, हम अपने घर में आए हैं, अपने लोग भाइयों के बीच में आए हैं। चालू जब सालोमन जी थे तब भी मेरा आना जाना रहा है और जब भी जो अवसर होता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर समय मेरे चित्त में आना जाना रहता है। ये मेरा पहला दौरा नहीं है। यहाँ लोगों ने समस्याएं बताई हैं, यहाँ जो अधिकारी हैं वो तो मनमानी कर रहे हैं, ऐसी जानकारी हमें मिली है। बिजली की समस्याओं के निराकरण का मैंने निर्देश दिया है और शीघ्र ही इन अधिकारियों को बुलाकर निर्देशित करूँगा कि जो हमारी सरकार का संकल्प है कि 10 घंटे हम किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध करवाएं, घरों के लिए, गांव के लिए 24 घंटे हम लाइट दें, ये हमारी सरकार की वचनबद्धता है। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली का जो हमने संकल्प लिया है, मध्य प्रदेश के 125 करोड़ उपभोक्ता हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर, उनमें से हमारी सरकार ने 51 लाख लोगों को, उपभोक्ताओं को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने का संकल्प लिया है। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, यदि किसी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा गड़बड़ी की जाएगी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। दमोह से शांतनु भारत के साथ अर्पित बड़कुल, सागर टीवी न्यूज।
प्योर वेज देसी तड़का फैमिली रेस्टोरेंट, पारिवारिक और मनोरंजन के साथ शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, जहां आपके लिए है प्राकृतिक माहौल में पार्टी एवं फैमिली रेस्टोरेंट। जो यहां आए एक बार वो यहां आए बार बार। किटी पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, शादी की सालगिरह या अन्य कोई पार्टी, लंच एवं डिनर की उत्तम व्यवस्था, चाइनीज एवं इंडियन व्यंजनों की स्वादिष्ट श्रृंखला, तो एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता है UTD के नीचे, सिरोंजा रोड, पथरिया जाट, सागर।